Good morning student. This is your chapter number 15 in English reader Mona and the Sparrow. You know what is sparrow? Sparrow is a small bird. So let's read. Mona is very happy. Mona is very She is going to stay with her grandparents, aunt and cousin in Kolkata. Her grandparents, aunt... कजन्स के साथ कोलकाता रहने जा रही है दे स्टार्ट पैकिंग वो अपनी पैकिंग शुरू कर देती है मोना हैज़ अ स्मॉल शेल्फ ऑफ बुक्स मोना के पास कॉपीज किताबों के लिए एक छोटी सी शेल्फ है मीन्स रैक है यू ऑल्सो हैव अ सेपरेट रैक ना सम वन हैव स्मॉल शेल्फ सम बिग शेल्फ ये शी बिगिन टू अरेंज हर बुक्स वे अपनी बुक्स को अरेंज करना शुरू कर देती है शी पैक्स them इन अ बॉक्स वो उसको एक बॉक्स में पैक करती है शी finds अ स्पेरोज nest इन a ऑफ हर बुक शेल्फ वो देखती है उसको मिलती है एक नेस्ट किसकी नेस्ट स्पेरो नेस्ट अपनी बुक शेल्फ के कॉर्नर में उसको एक स्पेरो इसकी नेस्ट मिलती है सी इन दिस पिक्चर देखिए आप इस पिक्चर में आपको दिख रहा है ये इसकी बुक शेल है और यहाँ पे एक स्पैरो की नेस्ट है वो उसको देखती है इन द मिडल ऑफ द नेस्ट उस नेस्ट के बीच में देयर आर टू एग्स उसमें दो एग्स होते हैं द नेस्ट इज द मेड ऑफ ट्विंग्स स्ट्रॉज एंड ड्राई लीव्स जो ये नेस्ट है वो स्ट्रॉज ड्राई लीफ सूखी पत्तियों से स्ट्रॉ से मिलकर बनी है मोना लव्स टू वॉच द मदर स्पैरो एज शी सिट ऑन द एग्स मोना ये देख के खुश होती है कि स्पैरो की मदर उस एग के ऊपर बैठी है आपको पता होगा नहीं तो बताते हैं जब स्पैरो कोई बर्ड एग देती है तो वो कुछ दिन उस एग के ऊपर बैठती है जिससे उस एग के अंदर से जो उसके बेबीज़ हैं वो जल्दी से बाहर आ जाएं। वो एग को वॉम मिलेगा थोड़ी सी गर्माहट मिलती है और उससे बेबीज बाहर आ जाते हैं वो ये देख के बहुत खुश होती है कि उसकी मदर स्पैरो की मदर उस एग के ऊपर बैठी है देन द फादर स्पैरो बिंग्स फूड फॉर हर और उसके जो स्पैरो के जो फादर हैं उसके वो उनके लिए खाना लेके आते हैं आफ्टर डे और टू एक दो दिन बाद मोना सी दैट द एग शेल आ ब्रोकन वो एक दो दिन बाद देखती है कि उस एग की शेल ब्रोक हो गई है टूट रही है फिर उसके अंदर से क्या होता है टू कलर येलो कलर्स बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट उसके अंदर से जल्दी ही येलो कलर के दो बेबीज निकलते हैं दे हु डांस एंड चिप्स ऑल ओवर वो उछलते हैं डांस करते हैं और चीचे की आवाज़ करके इधर उधर घूमते हैं वो दे सीम टू बी से रन वॉट फन वो इधर उधर घूमते हैं और क्या खुश होते हैं मोना वॉचिज देम विद लव मोना ये बहुत खुश हो के सब देखती है नाव इट इज़ द टाइम फॉर हर टू लीव फॉर कोलकाता अब वो समय आ जाता है टाइम आ जाता है जब मोना को वो छोड़ के जाना है हाउ कैन मोना लीव द टू चिप्स बिहाइंड एंड गो टू कोलकाता वो ये देख सोचती है कि कैसे मैं पीछे से जब मैं कोलकाता चली जाऊंगी तो इन दो बेबीज़ को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ वो वॉट इफ़ द कैट कम्स एंड ईट द चिक्स वो ये कहते हैं कि सोचती है कि जब मैं चली जाऊंगी तो पीछे से अगर कैट uh, बिल्ली आके उन दोनों को खा जाए तो क्या होगा मोना टेल्स हर पेरेंट्स मोना अपने पेरेंट्स को कहती है कैन वी गो आफ्टर अ फ्यू डेज मदर वो अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी क्या हम कुछ दिन के बाद जा सकते हैं प्लीज़ लेट्स द चिक्स ग्रो अ लिटल प्लीज़ ये बच्चे छोटे से थोड़े से बड़े हो जाए लेट्स देम लर्न टू फ्लाई एंड देन वी गो पहले उनको थोड़ा सा उलना सीख लें तब हम जाएँगे मोनाज पेरेंट्स से यस मोना के पेरेंट्स कहते हैं यस मोना इज वेरी हैप्पी मोना बहुत खुश है द यंगर चिक्स लर्न टू फ्लाई एंड चिप्स वो मोना देख के खुश होती है कि वो छोटे बेबीज उड़ना सीख रहे हैं और चींची करके घूम रहे हैं दे आर चिपिंग ऑल द टाइम फ्लाइंग चींची की आवाज के साथ इधर उधर उड़ते हैं एक्चुअली दे आर सेंग थैंक यू मोना थैंक यू एक्चुअली वो मोना को धन्यवाद देते हैं धन्यवाद मोना धन्यवाद सो वॉट्स यू लर्न इन दिस चैप्टर हमेशा हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए ऑलवेज हेल्प अदर्स तब हमें खुशियाँ मिलती हैं यू लर्न दिस चैप्टर अगेन इन नेक्स्ट पीरियड We will discuss some exercise. Okay, stay home, stay safe. Bye bye.